स्वस्थ हो गए थे, उनको दिल्ली एम्स भेजा गया, प्रभा आखिरी सांस ली। वो सुन के पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही स्तब्ध है और बहुत दुखी है। मैं अपनी ओर से उनको सजा सुमन अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख को झेलने के लिए शक्ति प्रदान करें। अमीन पठान साहब के बारे में भी आपको बताया गया, ये खेल जगत के अंदर भी एक बड़ी हस्ती है। आरसीए के दो उपाध्यक्ष है, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, पसंदीदा ट्रॉफी खेले हुए हैं और पूरी तरह खेलों में समर्पित है। लंबे समय तक ये भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे और आप सोच सकते हैं कि छोड़ के क्यों आए होंगे। जो लंबे समय तक रहे हों वहां पर, लंबे समय तक जिस प्रकार का माहौल देश में बना रखा है, उस माहौल के अंदर कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि मैं ऐसे माहौल में काम कर सकूं। और यही कारण है कि मैं समझता हूं कि उन्होंने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका शानदार त्याग का कुर्बानी का इतिहास रहा देश के अंदर, आजादी के जंग के अंदर भी, आजादी के बाद में भी, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, देश को एक रखा, अखंड रखा, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज जो ताकत बैठे हुए दिल्ली में, उनका तो आप सोच सकते हो कि एजेंडा क्या है। विकास का एजेंडा नहीं है उनका। आज राजस्थान में जो विकास हो रहा है, चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, वो एजेंडे कोई नॉन इश्यू को इश्यू बना के, जो इश्यू वास्तव में है विकास का है, जो हम लोगों ने फैसले किए हैं, गुड गवर्नेंस का है, उस पर चर्चा नहीं करते। इसलिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं कांग्रेस के अंदर और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा और ये अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे यहां पे भी। और इनके आने से पार्टी में और ताकत बढ़ेगी पूरे राजस्थान स्तर पर, ये मेरा मानना है। कुछ सवाल मैं इस मौके पर करना चाहूंगा, जो यहां करके प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जिस प्रकार उनको भड़का रहे हैं, उचित नहीं कहा जा सकता। हम चाहते हैं कि राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं यहां पर। यहां पर राजस्थान पे कृपा करो और यहां पर आके आप भड़काने वाला भाड़ मत दो। ये एजेंडा आपका यूपी में काम आ गया, यहां कृपा करके हमारे ऊपर बख्शो, क्योंकि हम नहीं चाहते यहां पर सभी धर्म सभी जाति के लोग जो हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं। वहां के अगर प्राइम मिनिस्टर और गृहमंत्री बोलेंगे, भड़काएंगे, तो वो किसी भी तरह से हमें अस्वीकार्य है। मुझे दुख होता है कि वो, और उनके पास तथ्य नहीं है जिस केस की बात करते हैं वो उदयपुर की, उसमें तथ्य नहीं है। वो लोग तो बीजेपी की सिफारिश से थाना छोड़े थे, मैंने कल भी कहा था, और देश से न्यूज बनी वो। उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इतने डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया लगा कर राजेंद्र राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। हम लोग खुद चले गए, मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए, मैं खुद जयपुर आया, उदयपुर गया, डीजी गए, सीएस गए। वो सीरियसनेस थी हमारी, बोल नहीं पाए उस वक्त में ही लोग। एनआईयू केस दे दिया, हमने मंजूर किया। अब हम चिंता कर रहे हैं कि नहीं अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर पाई। हमें कभी भी लगता है जहां मुझे लंबा खींचे जिससे कि चुनाव आएंगे उस वक्त पे इश्यू जिंदा रखेंगे।
तो आप देश की इस दिशा में जा रहा है, राजस्थान की दिशा में जाना चाहता है। हमारा मिशन 2030 है, हमने कई नवाचार किए हैं। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि आप उन पर ध्यान दो हमारे और जवाब दो मुझे कि मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बताए, राजस्थान की तरह पूरे देश के सभी नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कब देंगे, नंबर एक। नंबर दो, प्रधानमंत्री बताएं देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कब लागू करेंगे। नंबर तीन, देश के सभी घरों में 500 रुपए गैस सिलेंडर कब देंगे। नंबर चार, देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ये जैसी पेंशन देने वाला राइट टू सोशल सिक्योरिटी कब लागू करेंगे। नंबर पांच, शहरी गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार योजना लागू कब करेंगे, जिसकी सलाह उनकी खुद की आर्थिक सलाह पैसे ने भी उनको दी है भारत सरकार को, उसके बावजूद भी शहरों में रोजगार हमने लागू कर दिया। यहां पर नरेगा की तरह 125 दिन का गारंटी देती है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, वो लागू कब करेंगे। नंबर छह, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देंगे, वादा पूरा कब करेंगे प्रधानमंत्री। और नंबर चार, दो, छह, सात, राजस्थान हिस्से का 6,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है उसे कब जारी करेंगे। और अंतिम है, अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना पुनः पहले जैसी रेगुलर भर्ती कब शुरू करेंगे। इसका जवाब दे यहां है तो प्राइम मिनिस्टर, आज मैंने सुना आज वो आ रहे हैं, उनको चाहिए कि जब एक वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है, सवाल पूछ रहा उनसे, ये अभी भी मैसेज आया मेरे पास कि कन्हैयालाल के बेटे ने इंटरव्यू में कहा कि एनआईए अभी तक न्याय नहीं दिला पाई है, न्याय नहीं दिला पाई, ये उनका बेटा कह रहा है इंटरव्यू में। इनके परिवार में चार्जशीट तक गोपनीयता के नाम पर नहीं दिखाई गई, जबकि पीड़ित परिवार का हक है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो हमने यहां काम किए हैं, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी जो योजना है आपकी, जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत कितने लोगों के लिए है, खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का उनके लिए है, वो भी नहीं मिलता है। राज्यों में क्या है, अपने अपने वही बना रखी है कैटेगरी। एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां तमाम पब्लिक को, अमीर गरीब कोई भी है, सबको बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसी कई बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। धन्यवाद आप जरा।